हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज देखना ये रहेगा कि एनडीसी न्यूज में क्या है आपके लिए खास। आइए देखते हैं। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सरफिरे आशिक ने युवती पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो उससे बात करने से मना कर रही थी। छात्रा की हालत अभी बेहद गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान भरत के रूप में की है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग है और बीते एक साल से युवती के पीछे पड़ा था। पुलिस के अनुसार ये घटना बरकतपुर इलाके में हुई है और पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़िता एक निजी कॉलेज की छात्रा है। पीड़िता ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ कुछ समय पहले ही हैदराबाद पुलिस की वुमेल हरासमेंट सेल में शिकायत भी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मुंबई के कुल्ला नेहरू नगर इलाके में पवतियां कसने का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय एक लड़की की सरेआम कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इससे पहले मुंबई के कुल्ला नेहरू नगर में पवतियां कसने का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय एक लड़की की सरेआम कथित तौर पर पिटाई कर उसकी नाक की हड्डी तोड़ने का मामला भी सामने आया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में एक वीडियो में एक व्यक्ति एक लड़की पर हमला करता दिख रहा था। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने आरोपी की पहचान इमरान शाहिद शेख के रूप में की। नेहरू नगर पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद खोपरने ने बताया था कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।